नमस्कार टॉप नाइन न्यूज साथे हूं छु जय। सौप्रथम देशभरनी कोरोना परिस्थिति पर एक नजर। भारत में कोरोना नवा केस और मृत्यु आंकड़ा में उतार चढ़ाव। 24 कलाक में 2.11 लाख थी वधु नवा केस, 3847 ना मृत्यु, 2.83 लाख लोग साजा। पॉजिटिव केस नो आंक 2.73 करोड़ ने पार, जारे कि 3.15 लाख थी वधु ना मृत्यु थई चुक्या छे। अत्यार सुधी में 2.46 करोड़ लोग थया छे साजा। सक्रिय केस 24.21 लाख, रिकवरी रेट वधीने 90.1 टका पहोंच्यो, मृत्यु दर घटीने 1.15 टका। देश में चाली रहे कोरोना की बीजी लहर की रफ्तार पड़ी है धीमी। निष्णातों मानवामां आवे तो जून महीना में कोरोना की बीजी लहर पर संपूर्ण रीते आवी जशे काबू। निष्णातों कहेवुं छे कि जल्दी ज भारत में एवी सिस्टम विकसित थई रही है कि कोरोना जेवी महामारी आवता पहेला अहीं निष्णातों ने तेनी जानकारी मळी जशे। घातक कोरोना की तीजी चौथी लहर ने लईने पण पहेलेथी सतर्कता थई शके छे। जून पछी देश में राहतना संकेत मळे तेवी शक्यता। महाराष्ट्र आरोग्य प्रधान राजेश टोपे कहू कोरोना की संभवित तीजी लहर नो सामनो करवा माटे अने बाळकोने तेनाथी सुरक्षित राखवा सरकारे 13 निष्णातोनी पीडियाट्रिक टास्क फोर्स नु करशे गठन। जाणीता बाळ रोग निष्णात डॉक्टर सुहास प्रभु 13 सभ्योनी टास्क फोर्स ना अध्यक्ष छे, ज्यारे के डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन एंड रिसर्च ना डायरेक्टर तात्याराव लहाणे आ कमिटीना सभ्य सचिव रहेशे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैदराबाद डायरेक्टर प्रोफेसर जीवी एस मूर्ति जणाव्यू कि फ्लू की जेम कोरोना पेढ़ीओ सुधी अहीं रहेशे। कहूं कि नवेम्बर सुधी कोरोना की तीजी लहर आवी जशे। कोरोना की आगामी लहर आवता 5-6 महीना समय लागशे। पीएम मोदीए ब्लेक फंगस की दवा की जवाबदारी पोताना हाथ में लई लीधी। वडाप्रधाने आप्या निर्देश, दुनिया कोईपण खूणे ब्लेक फंगस की दवा लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन मळे तो तेने भारत लावामां आवे। साथे ज सरकारे 5 वधु कंपनीओने लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी बनावानुं लाइसेंस आप्युं छे। पीएम मोदी इंजेक्शनની ઉપલબ્ધતાને લઈને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે। દેશમાં બ્લેક ફંગસના અત્યાર સુધીના 11,000થી વધુ કેસ નોંધાયા। દિલ્હી સરકારે પણ બ્લેક ફંગસને મહામારી ઘોષિત કરી। બે તરફ અમેરિકી કંપની ગિલિયડ સાયન્ટિસ્ટ બોર્ડ ભારતને 10 લાખ એમ્ફોટેરેસિન ઇન્જેક્શન આપશે। देशभर में फैलाली कोरोना महामारी की साथोसाथ हवे ब्लेक फंगस केसों वध्या। ब्लेक फंगस की दवा की कमी। महाराष्ट्र वर्धा स्थित जेनेटिक लैब साइंटिस्ट कंपनी ब्लेक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी इमल्सन इंजेक्शन उत्पादन शुरू थी चुक्यू है। आ फंगस इन्फेक्शन की दवा की किमत 1200 रुपया प्रति शीशी हे। आ दवा वितरण सोमवार। कोरोना वैक्सीन अलग अलग डोज ने लेने डॉक्टर वी के पोले कहू कि बीजा डोज में अलग रसी लागी जाए तो चिंता करवानी जरूर नहीं। महत्वपूर्ण है कि यूपी में भूल की एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग रसी अपाई थी, जेना पर वी के पोले कहू कि अमारो प्रोटोकॉल स्पष्ट है, आपेल बंने डोज एक सामान रसी ना होवा जोईए। आ मामला की तपास थशे। टूंक समय में देश में कोरोना की बीजी 4 वैक्सीन उपलब्ध थी जशे। तो देश में वैक्सीन की अछत वच्चे अनेक राज्यों में रसी बगाड़नी घटना आवी सामे। वैक्सीनों बगाड़ करनारा राज्यों में सौथी ऊपर झारखंड और छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार झारखंड ने सप्लाय करवामां आवेली कुल वैक्सीन में 37.3% वैक्सीन की बगाड़ थतो हतो, ज्यारे छत्तीसगढ़ में 30.2% बगाड़ थतो हतो। राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की सरेराश बगाड़ 6.3%।